देखिए, मेरा तो ये मानना है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती है और होती आई है, बहुत सारी स्लोगनियरिंग हुई है, बहुत सारी तकरीरें हुई है, और कुछ और तकरीरों से रियली सिचुएशन नहीं बदलने वाली। इस चीज़ को कंटिन्यूसली ड्रम इन करने की ज़रूरत है, कंटिन्यूसली अंदर डालने की ज़रूरत है, और इसके अंदर एक एक्शन प्लान लाने की ज़रूरत है। और मेरे पास उस चीज़ के ताल्लुक से कुरान हदीस की रोशनी में एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। माशाल्लाह, मैं कोशिश ही कर रहा हूं आज हम हल निकालें, कुछ नतीजों पे पहुंचे, मीनिंगफुल सोल्यूशन निकलने के लिए। और हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे कि ये जो बोल रहे हैं इससे कनेक्शन क्या है, लेकिन आई नो के कनेक्शन है, और हिस्ट्री ने इस बात को साबित किया है कि जो बात मैं अभी कहने वाला हूं उसमें सोल्यूशन है। तो हम ये देखते हैं, यहां पर एक एनलाइटनमेंट की जरूरत है, एक ऐसे एनलाइटनमेंट की जरूरत है जिसके अंदर लोग रियल नॉलेज की इंपॉर्टेंस रिलीजियसली समझें, अल्लाह के करीब आने में जरिए के तौर पर इस बात को समझे, दुनियावी इल्म की जरूरत भी, क्योंकि इल्म के अंदर सारी चीजें हैं, इल्म नाफिया बेनिफिशियल नॉलेज में सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो हम ये देखते हैं, और मैं एक अपील करता हूं सारे नाजरीन से कि वो अगर एक किताब अल्लाह ताला ने जो भेजी, जिस किताब में इतना पावर है कि पहाड़ पे अगर नाजिल होती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, तो वो किताब से हम कनेक्शन जोड़ें, कुरान को पढ़ें। जब कुरान पढ़ेंगे तो एक ऐसा एनलाइटनमेंट लोगों में आएगा, एक इस तरह की रोशनी फैलेगी कि उसका बाय प्रोडक्ट ये होगा कि हमारा एजुकेशनल एडवांसमेंट भी हो जाएगा, एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर। क्यों? वो किताब के अंदर एक ऐसा पावर है कि कौमों को यरफाउ भी हादल किताब अक्वामन व यदउ भी आखरीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह कुछ कौमों को इस किताब के जरिए उठा देता है और कुछ कौमों को गिरा देता है। तो ये किताब में वो पावर है, और वो अगर पढ़ेंगे तो बार बार जब वो पढ़ेंगे, अफला ताकिलून, क्या अकल नहीं इस्तेमाल करोगे, अफला तुबसिरून, क्या तुम ये देखोगे नहीं, तो दिमाग की खिड़कियां खुलने लगती है। होना तो ये चाहिए और सही बात है कि जिनके पास है वही लोग दे पाएंगे, जिनके पास नहीं उन्हें। अब हमारी सोसाइटी में, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हैव्स भी है, कई हैव नॉट्स भी है। जिनके पास है उन्हें ही देना होगा, जिनके पास नहीं है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे जब जाते हैं म्युनिसिपल स्कूल्स में, वहां क्वालिटी नहीं मेंटेन होती है, बहुत सारे हमारे खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वैसे क्वालिटी नहीं है। तो जरूरत क्या चीज की है? ऐसे डेडिकेटेड टीचर्स की है जो उसे एक रिलीजियस ड्यूटी समझते हैं, जो रिलीजियसली मोटिवेट होते हैं कि मैं जब अपना काम एक्सीलेंटली करूं तो अल्लाह ताला मुझे उसका अजर देगा, भले ही स्कूल से अप्रिशिएशन मिले ना मिले, भले ही कल जाके फ्यूचर में कोई स्टूडेंट आके कल थैंक यू बोले या ना बोले, अल्लाह ताला मुझे उसका बदला देगा। तो हम देखते हैं सोसाइटी में ऐसे सारे कंसर्न इंडिविजुअल्स, चाहे वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करने में है, चाहे वहां जाकर कोई चीज अपनी तरफ से छोटी चीज क्यों ना हो जाके करने में है, चाहे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम करने में है, क्योंकि मुसलमानों की पॉपुलेशन जो स्पीड में बढ़ रही है उतनी स्पीड में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बढ़ रहे हैं, यहां पे खुद ही शॉर्टफॉल है। तो ये सब करने की जरूरत है, और ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर आएगा अगर खुद इस किताब से जुड़ जाएं, जो किताब उन्हें डेली मोटिवेट करेगी। भाई ये शोस देखकर हो सकता है कोई मोटिवेट हो जाएगा आज, लेकिन ये मोटिवेशन कितने दिन तक लास्ट होगा? वो चीज लास्ट करने वाली किताब आपके घर में है, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आई कैन गिव यू अ गारंटी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, और जो कुरान में जो वादा है उसके बेसिस पर ये है कि मुस्लिम्स अगर इस्लाम के करीब आ जाए, कुरान के करीब आ जाए, अल्लाह की किताब को पढ़ने लगे, विद इन अ स्पैन ऑफ सम इयर्स उनकी इस चीज में भी हालत ऑटोमेटिकली बदलेगी, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जो दिमाग की खिड़कियों को खोलती है। नाज़रीन, बहुत बहुत खूबसूरत बात, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जैद पटेल साहब ने इंतहाई अच्छी बातें की और ये बताया कि तालीम को अगर अपनी जिंदगियों में और अपनी औलादों और अपनी नस्लों की जिंदगियों में लाना है तो तालीम का खजाना आपके घरों में जुजदान में बंद होकर रखा हुआ है, खुदा के वास्ते अलमारियों से निकालिए, सरदलों से उतारिए, उसे जुजदान से बाहर निकालिए, वरक दर वरक पढ़िए और उसे समझिए और अपने बच्चों को समझाइए। वो लोग जो मुसलमान हैं वो अपने बच्चों को समझाएं पढ़ाएं और खुद समझें और पढ़ें, और वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं मैं उनको भी दावत देता हूँ कि मजहबी किताब समझ के न सही, एक हिकमत की किताब समझ के, एक ऐसी किताब समझ के जिससे शायद उन्हें दुनिया के मामलात में रोशनी मिले, शायद उन्हें अपने ज़ाती जिंदगी के मामलात में रोशनी मिले, उस किताब को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, माना से पढ़ें, समझने की कोशिश करें।